और पिछले दिनों झारखंड से खबर आई कि जेल में बंद आरोपियों द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। इसी कड़ी में भाजपा से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में जंगल राज चल रही है, ईडी भ्रष्टाचारियों पर सिकंजा कसना चाह रही है और झारखंड सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, उन भ्रष्ट नेता। झारखंड में जंगल राज, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से लगातार कानून व्यवस्था चरमराई है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और केंद्र की जांच एजेंसियां जब इस पर अंकुश लगाना चाहती है, भ्रष्टाचारियों को कानून के हवाले करना चाहती है, तब हेमंत सोरेन की सरकार उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, उन भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़ी है, भ्रष्ट अफसरों के साथ खड़ी है और भ्रष्ट बिचौलियों के साथ खड़ी होगी। झारखंड में जंगल राज,